हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। छूट गया था तो ये है इक्विवेलेंस रूल्स और शार्गाफ्स रूल्स। शार्गाफ रूल्स जो है वो ये बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडिन बेसेस होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, और ज्यादा स्पेसिफिकली कहें तो गुआनिन साइटोसिन के इक्वल होना चाहिए और एडेनिन थाइमिन के इक्वल होता है। और ये पैटर्न दोनों ही स्ट्रैंड्स में डीएनए के पाया जाता है। इस शार्गॉफ्स रूल की खोज जो है शार्गॉफ एर्विन द्वारा की गई थी। ये ऑस्ट्रिया में बॉर्न केमिस्ट थे जिन्होंने इन नियमों को बनाया था। इनके जो रूल हैं उसके दो मेन पार्ट हैं, फर्स्ट पैरिटी रूल एंड सेकंड पैरिटी रूल। पैरिटी यानी इक्विवेलेंस या इक्वल होना। तो फर्स्ट पैरिटी रूल जो है वो हमें ये बताता है इसमें कि डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में बेस पेयर की परसेंटेज इक्वल होती है, एडेनिन थाइमिन की परसेंटेज के इक्वल होता है और गुआनिन साइटोसिन की परसेंटेज के इक्वल होता है। और ये जो रूल है ये वॉटसन एंड क्रिक पेयर्स जो थे डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के उसका भी बेस बनाते हैं। इसी तरह से सेकंड पैरिटी रूल्स जो हैं वो भी डिस्कवर हुए थे बाद में। और सेकंड पैरिटी रूल ये बताते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी थायमिन और एडेनिन की परसेंटेज इक्वल होती है और साइटोसिन और गुआनिन की परसेंटेज इक्वल होती है। तो पहला जो रूल था वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स के बारे में है, और जो सेकंड पैरिटी रूल है वो सिंगल हेलिक्स के बारे में, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के बारे में होता है। तो ये जो रूल है, इनके शार्गफ्स के जो रूल हैं उसमें से सेकंड जो रूल है उसको जनरलाइज किया गया था, इसको प्रपोज किया था विनय कुमार बी प्रभु। 1993 में इन्होंने इसको सिमेट्री प्रिंसिपल का नाम दिया था और इन रूल्स को जनरलाइज किया गया था। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया था कि किसी भी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी संख्या जो है वो इक्वल होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से, यानी 7 अगर एडेनिन है तो 7 ही थाइमिन प्रेजेंट होंगे। ये इन्होंने रूल ऑफ सिमेट्री विनय कुमार बी प्रभु ने 1993 में दिया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि 2006 में जो खोज हुई थी उसके अनुसार ये पाया गया था कि पांच तरह के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स होते हैं उनमें ये चार में ही पाया जाता है, पांचवे में ये रूल लागू नहीं होता। ये रूल स्पेसिफिकली अप्लाई होता है यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स के ऊपर, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के ऊपर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरल जीनोम के ऊपर और आर्कियल क्रोमोसोम्स के ऊपर। आर्कियल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बैक्टीरिया भी नहीं है बल्कि बैक्टीरिया का प्राचीन स्वरूप है। जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो उनके जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें भी ये रूल लागू होता है। तो कौन सा छूट जाता है कि ये जो रूल है शार्गाफ्स रूल, ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वगैरह में जो डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनमें ये रूल लागू नहीं होता है, और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 20 से 30 किलो बेस पेयर के ऊपर होता है।
के नीचे होता है, तो इसलिए ये रूल उन पे अप्लाई नहीं होते, और ना ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि वायरस में पाए जाते हैं उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, और आरएनए जीनोम के ऊपर भी अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये शारगास रूल के अपवाद होते हैं जिनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन रूल्स का जो बेस होता है उस पर लगातार खोज जारी है। और हालांकि ये एक जनरल वो है कि जीनोम की जो साइज़ है वो इन रूल्स में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं हिस्टोग्राम, इसमें आपको ये थोड़ा सा हेजी है पिक्चर, तो इसमें लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जी और सी की परसेंटेज इक्वल है। यहाँ पर ये दूसरा इसका पीक है, नीचे तीसरे पीक्स हैं, तो दोनों तरफ हमें पीक्स बराबर देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रूव करता है कि सेकंड पैरिटी रूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब आगे हम इसमें जो पता चला था कि रूल में अपने जो है कुछ और आगे कुछ बातें इसमें पता चली थी। इन्होंने ये कहा कि मोस्ट बैक्टीरियल जीनोम्स जो होते हैं जिनमें कि 80-90% तक कोडिंग पाई जाती है, तो उनमें जनरली क्या होता है कि कम से कम 50% कोडिंग सीक्वेंस जो है वो दूसरे स्ट्रैंड पर भी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस दूसरे स्ट्रैंड पर भी डीएनए के पाए जाते हैं। लेकिन वॉकलो शजायबाल्स्की ने 1960 में ये प्रदर्शित किया कि बैक्टीरियोवाज में कोडिंग सीक्वेंस में प्यूरिन और पाइरिमिडिन का रेशियो इक्वल नहीं है। उन्होंने ये बताया कि प्यूरिन एक्सीड कर रहे हैं यानी ज़्यादा हैं और पाइरिमिडिन कम है। तो ये किसमें उन्होंने बताया था, बैक्टीरियोफाज में बताया था। उसके बाद कई और ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा पता चला है कि इस तरह की जो सीक्वेंसिंग है उसमें प्यूरिन पाइरिमिडिन का रेशियो इक्वल नहीं था। तो इस नए रूल को नाम दिया गया ज़ाइलेबलस्की रूल। तो ज़ाइलेबलस्की रूल जो है वो एक एक्सेप्शंस जिसमें कहते हैं कि उसकी तरह से ये लागू होता है, और हालांकि इसका बायोलॉजिकल बेसिस अभी तक ज़ाइलेबलस्की रूल का पता नहीं चला है कि इनका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। और कभी कभी हमें ये दोनों इफेक्ट्स कंबाइंड भी देखने को मिलते हैं बैक्टीरियल जीनोम्स में, जब उनके कोडिंग सीक्वेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जेनेटिक कोड 64 कोडोन से मिलकर बने हुए होते हैं, और कुछ जो है टर्मिनेशन कोडोन्स भी होते हैं। तो 64 कोडोन्स होने के बावजूद केवल 20 अमीनो एसिड्स का निर्माण होना, और उसके साथ साथ दो अनकॉमन अमीनो एसिड जो सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ये जो है थोड़े लिमिटेड संख्या में होते हैं, और कुछ स्टॉपिंग कोडोन्स होते हैं TGA और TAG। तो इस तरह के जो कोडोन्स होते हैं जिनका दूसरा रोल होता है बजाय प्रोटीन की अमीनो एसिड्स के निर्माण के, तो इसलिए भी हो सकता है कि ये इम्बैलेंसिंग या मिसमैच जो है होता है किसमें, कोडोन्स और अमीनो एसिड्स की संख्या में। कई अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो सिंगल अमीनो एसिड बनाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं दूसरे अमीनो एसिड्स भी बनाते हैं, लेकिन जो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें जनरली ये होता है कि तीसरे जो बेस होती है यानी ट्रिपलेट में जो तीसरा लास्ट वाला होता है बेस, उसकी पोजीशन में फर्क आ सकता है। तो उस तीसरे बेस के अंतर के कारण जो है इनमें इम्बैलेंस की क्रिया हो सकती है। तो शारगाफ का जो रूल है वो जब टूटता है या उसके एक्सेप्शंस जब हमें नज़र आते हैं उसके कारण ढूंढने की कोशिश है ये सब,
कि क्या ऐसा कारण है जिनसे दूसरे नियम अनइक्वल क्वांटिटीज के नियम बनाने पड़े दोनों कोडोन्स में। तो ये कह रहे हैं कि थर्ड पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा ज़ाइले बेल्स्की और शार्गफ के रूल्स जो हैं दोनों मिलकर भी कई बार काम करते हैं। तो इस प्रकार की जो एसिमेट्री हमें प्यूरिन और पाइरिमिडीन में देखने को कोडिंग सीक्वेंसेस में मिलती है, उसमें प्यूरिन बेस का रोल जो है वो हमें ज्यादा नजर आता है, क्योंकि जितने प्यूरिन ज्यादा होंगे उतने ही पाइरिमिडीन कॉम्प्लीमेंट्री भी ज़्यादा होने का प्रेशर होगा। और क्योंकि दोनों में 80-90% कोडिंग सीक्वेंसेस होने चाहिए, तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक सेलेक्टिव प्रेशर बन जाता है ट्रिपलेट के तीसरे बेस के ऊपर कि वो प्यूरिन बेसिस को लिमिटेड रखे स्ट्रैंड में और उसको स्टेबल बना के रखे। और ये जो प्रोपोर्शन है, मिसमैच जो होते हैं दोनों प्रोपोर्शंस में, दोनों कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच की ये मिसमैच के लिए तीसरा बेस जिम्मेदार है, ये हम पहले पॉइंट कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में ये जो प्रेशर होता है तीसरे बेस पेयर के ऊपर, इसी की जिम्मेदारी होती है कि ये कोडिंग सीक्वेंस की लंबाई को नियंत्रित करे, इसको मिनिमाइज करे। तो डीएनए में केवल मिसमैच होना ही एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो मिसमैच अगर हो रहा है तो वो भी सिमेट्रिकल या स्टेबिलिटी को लाना चाहिए डीएनए के अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते कि शार्गफ के रूल हमेशा टूटते ही हैं, अगर वो टूटते हैं तो उनके अंदर बैलेंस भी होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कारण जो देखने की कोशिश की गई, शार्गफ के रूल का जो डेविएशन ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलता है रेप्लिकेशन के समय भी इसका कारण हो सकता है। रेप्लिकेशन के समय पर डीएनए स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, फिर एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में साइटोसिन जो है वो धीरे धीरे डीएमिनेट होके एडिनोसिन में बदलता है, यानी साइटोसिन का ए में ट्रांसवर्जन होता है। तो जितना लंबा स्ट्रैंड होगा उतना ही डीएमिनेशन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और जितना डीएमिनेशन यानी सी से ए में ट्रांसवर्जन होगा तो नेचुरल सी बात है कि साइटोसिन जब एडिनोसिन में बदल रहे हैं तो ए ज्यादा होता जाएगा और सी कम होता जाएगा। कुछ कारण हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इसमें, इसमें ये लोग माइटोकॉन्ड्रिया में क्योंकि छोटा डीएनए होता है तो उसमें भी कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए वो अपने आप के ऊपर ही फोल्डेड होता है, उसको हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं कह सकते हैं। और क्रोमोसोमल इसलिए वो लंबे समय तक भी जीवित होता है, यानी उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और भी तो इस प्रकार से इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि एक स्ट्रैंड हमें ऐसा मिल गया जिसमें गुआनिन और थायमिन ज़्यादा है और साइटोसिन और एडिनोसिन थोड़े से कम है। तो इस तरह का जो ये डेविएशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें जनरली देखने को मिलता है, जिसमें ये इस तरह के कन्वर्जन्स या ट्रांस कन्वर्जन्स जिनको बोलते हैं वो हमें मिलते हैं, और उनके कुछ रीजन्स जो हैं वो अभी भी हमारे सामने बहुत क्लियर नहीं है। शार्गफ का जो सेकंड रूल है उसमें
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो कोई भी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, तो इन जनरल ये कह रहा है कि इक्वल नंबर होगा कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से, और ट्रिपलेट में भी क्योंकि हम बता ही चुके हैं कि ये पहले से हमारे पास ये सीक्वेंस है कि बहुत लार्ज डेटा सेट जो हमें ह्यूमन जीनोम के बदौलत मिल चुका है कि हम पूरे ह्यूमन जीनोम को एनालाइज कर चुके हैं, तो उनमें भी ये वाले रूल्स हमें बहुत देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इवोल्यूशन के समय में इन्वर्जन और ट्रांसपोजिशन की वजह से इस तरह के रूल बने हैं जिसमें सब इक्वल होना चाहिए, और ये लेकिन ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के ऊपर नहीं लागू हुआ। इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि पूरे सिंगल ह्यूमन जीनोम डीएनए में न्यूक्लियोटाइड लेवल की जो कोडोन ट्रिप्लोट की जो पॉपुलेशन है वो पूरे ह्यूमन जीनोम को कन्वर्ट होके बनी है। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड से ही पूरा ह्यूमन जीनोम बना है, ये उस बात का भी सबूत देता है। अब इधर 2020 में एक नया, थोड़ा सा नया तो नहीं कह सकते, पहले से ही डेवलप्ड है, तो 2020 में ये भी सजेस्ट किया गया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको डीएस डीएनए भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का डायनेमिक सिस्टम होता है जो डीएनए है, तो इसके जो भौतिक गुण होते हैं और इसकी सभी जो भौतिक सिस्टम्स होते हैं या तंत्र होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि ये अपनी ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए इसकी जो इम्बैलेंस होती है उसको बराबर करें। तो कई वैज्ञानिकों का 2020 में ये भी मानना है कि मैक्सिमम एंट्रोपी जो है, यानी अस्थिरता की प्रवृत्ति, अनस्टेबिलिटी की, अनइक्वल होने की प्रवृत्ति, कि उस तरह की प्रवृत्ति होने की वजह से, क्योंकि ये सभी सिस्टम्स में होती है कि वो बिखरे लेकिन कुछ फोर्स उनके उनको उन्हें बाउंड रखते हैं, तो ये जो मैक्सिमम एंट्रोपी, एंट्रोपी यानी किसी चीज़ का इम्बैलेंस होना, तो ये जो कमी है वो सेकंड पैरिटी रूल की वजह से ही बनी है। तो डीएनए सीक्वेंसेस की सिमेट्री, उसके पैटर्न्स जो हैं वो किस वजह से एमर्ज हुए हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी भौतिक जो गुण हैं डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के और मैक्सिमम एंट्रोपी का जो प्रिंसिपल है, केवल वो ही जिम्मेदार है इस शार्गाफ रूल के लिए, सेकंड पैरिटी रूल के लिए खास करके, ना कि बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल इवोल्यूशनरी प्रेशर्स या जो प्रोसीजर्स हुए हैं, ऐसा कोई भी प्रोसीजर जिम्मेदार नहीं है। तो ये 2020 में नया कॉन्सेप्ट एक सामने आया है कि एनर्जी के ऊपर बेस्ड, कि इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है उसमें डिजॉल्व होने की या उसको नष्ट होने की सभी तंत्रों के, भौतिक तंत्रों की प्रवृत्ति होती है, लेकिन तंत्र उसको अपने आप में स्थिर रखने की कोशिश करता है। तो डीएनए की जो सिमेट्री है वो कुछ इस तरह की है कि ये मैक्सिमम एंट्रोपी को होने नहीं देता और डीएस डीएनए मॉलिक्यूल की एनर्जी अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि वो अपने स्ट्रक्चर को फिर भी बनाए रखता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल फोर्सेस नहीं है और ना ही कोई इन्वायरमेंटल के इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जो इन रूल्स को बनाते हैं। तो ये था हमारा इक्विवेलेंस रूल या शार्गाफ्स रूल्स। शार्गाफ्स रूल्स के साथ ही हमारा यूनिट फर्स्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन वाला चैप्टर। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कस करने जा रही हूँ। इसी के साथ हमारी यूनिट फिनिश होती है। थैंक यू।